Yeah, it's a nice film, but it's meant for the particular audience. Not every people will be liking it, but the people who are really interested in seeing good, Rajkumar has done a good acting job and he's nice all the movies. But the movie also shows the facts, which are very good. But at the end, it's not for all the people. It's for the particular choice of the audience. Do you like the direction of Hansal Mehta? Do you think Rajkumar justified the role of? Yeah, direction was nice. Rajkumar justified the role. Yeah, he did a good job. I told you previously. Yeah. Okay, do you agree the small insert of real footage is justified? Yeah, that was really nice because people won't be having that much knowledge and about the fact that will begin that were been given. So movie justifies that. Okay, yes. Out of five star, how much? Three. Excuse me, sir. I saw an amazing film. I like Rajkumar Rao acting and Hansal Mehta is a very good like director. The way he described the story, I like it. क्या लगता है justify होता है Rajkumar Rao character और कितने अच्छा perform? Absolutely, बहुत अच्छा perform किया है Rajkumar Rao ने जो Omar Syed से का character बहुत अच्छे से play किया है and बहुत अच्छी movie लगी overall. It's a direction के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं इसलिए मैं देखने आया मूवी. हंसल मेहता की मूवी उनकी पहले की मूवी बहुत अच्छी रही, ये भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है सारा स्टोरी, इट्स वेरी गुड. आपको लगता है कि हंसल मेहता और राजकुमार राव की केमिस्ट्री बहुत वर्क करती है? हाँ, ये कम्प्लीटली दिखता है इस मूवी में, दिखाया है पिछली मूवीज़ में भी, दिख रहा है इनका आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा काम करते हैं मिलकर. आगे भी अच्छा काम करेंगे, कुछ देखने को मिलेगा तो. आई वुड गिव इट 4. थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वेरी गुड मूवी, 4 out of 5 फॉर श्योर. बाकी हिंदी बोल सकता हूँ, रॉन्ग नहीं है ना? हाँ. तो यार मूवी बहुत अच्छी थी और स्टोरी एंड एवरीथिंग. जब आप ऐसी मूवीज़ की बात करते हो ना तो आप, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन, एक्टिंग, वो सबको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑल टुगेदर मूवी बनाई जाती है अवेयरनेस के लिए. और मुझे ही कई सारे नाम नहीं पता है, किसी भी नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता कि यार ये कौन था, वो कौन था, कौन इन्वॉल्व था, किसी को नहीं पता होता. वी जस्ट नो दैट प्राइम नेम जैसे उज़ामा बिन लादेन हो गया या वो सारे नाम हो गए. तो ये स्टोरी उमर शेख के बारे में थी जो राजकुमार राव ने प्ले किया और उसकी जो भी जर्नी थी और हाउ ही डिड थिंग्स यू नो, और उसके बारे में बताना. तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब अवेयरनेस की, तो हम बात नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों की. बाकी उसके अलावा फिर भी एक्टिंग वॉज वेरी गुड, वेरी फाइन. मतलब यू आर वेरी कन्विंस्ड सीइंग द स्टोरी एंड एवरीथिंग. डू यू एग्री विद द इंसर्ट द रियल फुटेज आल्सो जस्टिफाई? या आई बिलीव दे यूज्ड दोस ओरिजिनल फुटेजेस इन द मूवी, सो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है. पता है व्हेन यू गेट टू रियलाइज बीच बीच में कि यार ये तो रियल है यार, सो नो दैट इटसेल्फ स्टर करता है. हाँ, देन वी गेट टू कनेक्ट. इट्स अ वेरी गुड मूवी. ओके, हंसल मेहता एंड यू नो राजकुमार राव ऑलवेज कम गिव्स अ गुड सिनेमा एंड देयर केमिस्ट्री टू वर्क्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही बात है. मतलब आप देख सकते हो मेरा टेक क्या होगा. यू आस्क पीपल, एवरीवन विल से हाँ भाई अच्छी थी. यू नो पीपल, हम लोग देखते जरूर एंटरटेनमेंट वाली मूवीज़ बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट मुझे लगता है कि इसको भी फॉलो करना चाहिए इन द थिएटर हॉल, नॉट इन अ पायरेटेड वर्जन. मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ऐसी पिक्चर बनती है उसमें खर्चा बहुत होता है बट लोग थिएटर में जाके देखते नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. चार तो फॉर श्योर, 4 फॉर श्योर. हो गया ना? जस्ट टेक इट. I did not like it at all. Why? It is about the terrorism. They are showing things which has already happened, not anything new. They are showing the papers and everything what has happened. Why should they spread so much of negativity? Or अभी के time पे, you know, इतना attention रहता है हमारा कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके and पाकिस्तान. तो keeping all that in mind, I did not like it. How many stars would you give? 1.5. Thank you, ma'am. About the film? The film is totally awesome. No doubt, it's like a biopic on some terrorist. What do you think justify this kind of film? This is not a commercial film. If you look at it, it's not a commercial film. This is totally challenging role. तो ये एक आतंकवादी के ऊपर एक बायोपिक टाइप की मूवी है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि किसी आतंकवादी के ऊपर इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है. राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार अगर नहीं होता तो इस फिल्म में जान नहीं होती, उसने जान डाल दिया मूवी में. आपको लगता है कि हंसल मेहता राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं, चाहे वो शाहिद करें चाहे कोई और फिल्म करें, कमाल करते हैं? उनकी केमिस्ट्री काम करती है? कमाल नहीं, ये धमाल करते हैं. क्या खास लगा आपको उमरता में?
अमरता में मेरे को खास ये लगा कि मतलब एक आतंकवादी कैसे किस तरह से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और उसके बारे में हंसल मेहता ने किस अच्छे तरीके से दर्शित किया है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। 5 स्टार 4 स्टार ओके, यू वेलकम।